हमारे साथ हो रहे भेदभाव को आप सबों के बीच में रखा। मन्ना जी, मैं दिल्ली नहीं कहूंगा वरन समूचे भारत के अंदर में ये पहले पत्रकार हैं जो सकारात्मक दृष्टिकोण को आगे रखते हुए पत्रकारिता को क्षेत्र को आगे बढ़ने की बात करते हैं। मैं इनका साधुवाद करता हूं और हर व्यक्ति, हर पत्रकार अगर इसी सोच के साथ आगे बढ़े तो मुझे लगता है देश में नकारात्मक दृष्टिकोण स्वतः खत्म हो जाएगी। अंधेरा इसलिए है कि वहां पे अंधेरा है और हम उस अंधेरे को मिटाने की बात नहीं करते। अंधेरा इसलिए है कि हम वहां दीपक जलाने की बात नहीं करते। अगर हर व्यक्ति, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जो भी मीडिया संस्थान है वो चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, अगर वो अपने छोटे छोटे प्रयास से देश के अंदर में सकारात्मक पत्रकारिता करना शुरू कर देगी तो मुझे लगता है चाहे कितना भी बड़ा और कितना भी बड़ा भ्रष्ट मीडिया हाउस हो, उसे सच का सामना करना होगा और वो सच का साथ देना शुरू करेगी। और हम सभी जानते हैं, यहां सारे पत्रकार बंधु बैठे हुए हैं, बड़ी खबरों को लाने वाला छोटा ही पत्रकार होता है और उसका फायदा बड़े हाउस उठाते हैं, क्योंकि उनके पास में टीम होती है और वो पेड टीम होती है। और जो छोटे पत्रकार होते हैं वो पेड वर्कर नहीं होते हैं, वो सबों के साथ चलते हैं, मित्रता के साथ चलते हैं और एक दूसरे के बीच में खबर बांट के आगे बढ़ते हैं, जिसका वो कोई शुल्क नहीं लेते। उनको बड़ी गाड़ियां नहीं मिलती, वो दो दो किलोमीटर, तीन तीन किलोमीटर पैदल चल चल करके आज कांग्रेस ऑफिस, आज बीजेपी ऑफिस, या ऑफिस और पीसी अटेंड करते हैं। उनकी दिशा और उनकी दशा को सुनने वाला कोई नहीं है, ना ही बड़े संस्थान है जो मीडिया के संस्थान है, और अगर वो छोटा खुद का अपना अखबार, कोई पोर्टल न्यूज चला रहे हैं तो उनका है। अगर आप आज किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो आपको गेट पे ही रोक दिया जाता है, भाई साहब आप कहां से हो, आप पोर्टल न्यूज से हो, आपकी वैलिडिटी नहीं है, आपकी वैल्यू नहीं है। अगर आप किसी छोटे पत्र पत्रिका से जाते हो, आपका सम्मान नहीं है, आपको जाने नहीं दिया जाएगा, आप पीआईबी जर्नलिस्ट हो गया, आपको मान्यता है क्या? तो मेरा यह मानना है कि देश में समाचार पत्र पंजीयन कार्यालय जितने भी समाचार पत्र को रजिस्टर्ड करता है स्वतः उनको पीआईबी दे देना चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर आप मान्यता मत दो उनको, खत्म कर दो मान्यता देने की बातें, कि हमने देश में आपको रजिस्टर्ड पत्रकार बनाया है, आपको संपादक माना है, लेकिन आप हमारे प्रधानमंत्री जी या छोटे मोटे मंत्रियों के पीसी में भी जाने के अधिकारी नहीं है। आप इतनी कड़ाई पहले ही लागू कर दो, लेकिन उनको इतना अपमानित मत करो। तो ये अपमान पत्रकारिता का है, क्योंकि हमारे पास में बड़े पैसे नहीं है, हम करोड़पति नहीं है, हम अरबपति नहीं है, लेकिन पत्रकारिता में अपना वजूद रखते हैं। जो लिखना जानता है, जो बोलना जानता है, उसका कहीं कोई सम्मान नहीं है। मैं क्षमा चाहूंगा, ये हमारा ही प्रोग्राम है, लेकिन जो दलाली करता है उसका बहुत सम्मान है, वो सेंट्रल हॉल में भी बैठता है, तो हमें वैसे सेंट्रल हॉल के पत्रकारों को, जब वो हमारे साथ नहीं है तो हमें भी उनका साथ नहीं देना चाहिए, लेकिन हम उनके दरवाजे पहुंच जाते हैं। हम कब तक अपने आप को बेच के उनके दरवाजे पर खड़ा महसूस करेंगे? हमें भी उनको छोड़ देना चाहिए। हम आपको अगर बड़ा भाई मानते हैं तो आप भी हमें छोटा भाई मानो, हमारा इतना सा ही कहना है। आज मुझे देख करके दुख भी हो रहा है कि अगर एक छोटा कार्यक्रम होता है, अगर वो ली मेरिडियन है या सांगरीला में है या हयात में है, तो यहां जितनी संख्या है इससे डबल संख्या में लोग वहां भरे होते हैं और गेट पे खड़े होते हैं इससे ज्यादा। तो लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमारी अपनी मांगों को उठाने वाला, हमारी अपनी बातों को रखने वाला ये एक संगठन जिसके अंदर में सभी बड़े से बड़े पत्रकार भी हैं, लेकिन वो आज यहां मुझे नजर नहीं आ रहे, ये हमारा दुर्भाग्य है। हम कब तक बड़ों का सम्मान करेंगे? हमारी शिक्षा है कि हम बड़ों का सम्मान करें, परंतु बड़े भी हमें अपना छोटा समझें और मंच पर आकर के हमें मार्गदर्शन दें। हमारी अगर गलतियां हैं तो उसको बताएं कि तुम लाइन से भटक रहे हो, लेकिन जब आप आओगे ही नहीं, बातें ही नहीं करोगे, बताओगे ही नहीं, तो हमें क्या पता चलेगा कि हमारी गलतियां कहां है, हमारी अच्छाइयां कहां है, हमारी बुराइयां कहां है। हम आपको बड़ा मानते हैं, परंतु अभी
शायद मैं पहले पत्रकार हूँ बोल करके मैं अपनी बातों में पहले प्रवेश कर गया। मुझे कहा गया था कि आप फिल्म एंड टीवी मीडिया के बारे में बताएं। तो भाइयों और बहनों, उसके बारे में तो मुझे एक ही शब्द कहना है, वहां सिर्फ और सिर्फ पत्रकारिता नहीं, पित पत्रकारिता होती है फिल्म एंड टीवी मीडिया में। और मुझे इस मंच से कहने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि वहां वो होता है जो पेड़ होता है, वहां कोई समाचार नहीं होता है, वो पेड़ समाचार होता है। तो सही मायने में अगर पित पत्रकारिता कहीं हो रही है तो फिल्म एंड टीवी मीडिया की दुनिया में हो रही है, जहां एक एक शब्द एक एक लाइन का पेमेंट दिया जाता है, पैसा दिया जाता है। परंतु सकारात्मक पत्रकारिता को बढ़ावा देने का काम अगर इस मंच के माध्यम से भंडारी जी, अनूप जी, मन्ना जी और आप सभी वरिष्ठ जन जो आज यहाँ एकत्रित है, हर किसी के अंदर में मन में भावना है, पीड़ा है, दर्द है, रखेंगे और यहाँ से जो इस मंथन से, सागर मंथन से जो रस निकलेगा और उससे जो हमें फायदा होगा, निश्चित है वो छोटा होगा लेकिन अंदर से ठोस होगा। हमें बांस नहीं बनना है जो अंदर से खोखला हो, हमें वो ईख बननी है जो अंदर से मीठी हो। तो ये कार्यक्रम हमारा छोटा भले है लेकिन मीठा है और रस भरा है, और इससे जो रस निकलेगा वो हर व्यक्ति के अंदर जाएगा और उसका लाभ, चाहे वो छोटा से छोटा पत्रकार हो, चाहे वो बड़ा से बड़ा पत्रकार हो, हर किसी को मिलेगा। जो हमारे आज इस संगठन की 21 मांगे हैं जो प्रधानमंत्री जी के समक्ष रखी गई है, इसके अंदर में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया है, चाहे वो छोटा पत्रकार हो, चाहे छोटा मीडिया संस्थान हो, चाहे बड़ा पत्रकार हो, सबको इसमें समाहित किया गया है, सबकी बातों को रखा गया है। 21 मांगे जो रखी गई है मूलतः, तो मेरा यह मानना है कि यह संगठन मातृ संगठन है पत्रकारों का। जैसे गाय को आप कितना भी विष देंगे वो दूध देगी तो मीठा दूध ही देगी, वो जहर कभी आपको नहीं देगी। तो ये जो संगठन है, ये संगठन को आप चाहे कितना भी तिरस्कृत करो, कितना भी अनादर करो, इसका साथ दो ना दो, परंतु ये जब भी देगा आपके हित की बात करेगा, आपको कुछ देने की बात करेगा, आपसे लेने की बात नहीं करेगा। और इसी के लिए आज हम जैसे छोटे भाई, हम जैसे छोटे छोटे लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, और मैं तहे दिल से अनूप जी का, मन्ना जी का और मेरे बड़े भाई भंडारी जी का अभिनंदन करता हूँ कि कोई हमें साथ दे ना दे, हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना है। और बहुत बड़े बड़े लोगों ने भी कहा था कि अगर कोई साथ ना मिले तो एकला चलो, तो हम एकला चलेंगे। और विवेकानंद जी ने भी यही बात कही थी कि तुम्हें तीन फेज से पार करना पड़ेगा। पहला है, जब तुम किसी अच्छे विषय को लेके, अच्छी बातों को लेकर के जब आगे बढ़ोगे तो तुम्हारा मजाक उड़ाया जाएगा, बोला जाएगा ये छोटा बच्चा, ये छोटे लोग, ये लोग क्या कर लेंगे। तुमको उसको झेलना है, उससे पार होना है। दूसरा स्टेज तब आएगा जब वो तुम्हारा विरोध करना शुरू कर देंगे, और विरोध भी झेलना पड़ेगा, लेकिन अंतिम पड़ाव में जब तुम सफल हो जाओगे तो वही लोग जो तुम्हारा मजाक उड़ाते थे, तुम्हारा तिरस्कार करते थे, सबसे पहले माला पहनाने और तुम्हारे गले उठाने और तुम्हारी जय जयकार करने के लिए वो सबसे पहले आएंगे। तो भंडारी जी, आपका प्रयास यही प्रयास है, हमें चाहे कितनी भी आलोचना कर दी जाए, आपकी कितनी आलोचना कर दी जाए, कितनी बुराइयां कर दी जाए, कितना ही पीछे रोकने का काम किया जाए, परंतु आप आगे बढ़े, हम जैसे छोटे भाई कंधे से कंधे मिलाकर आपके साथ में। इसी के साथ मैं अपनी वाणी में विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।